मुझे उनकी शक्ल देखने से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इफ़ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, नो डिफिकल्टी। नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे वो कलेक्टर। क्यों चाहिए सर? How dare he could write a letter directly to me in that case where which is pending? उस आदमी की या उस लेडी की अपीयरेंस का ऑर्डर था आपका एडिशनल कलेक्टर। उसको लगता था कि मेरी कलेक्टर है, ये तो कुछ भी कर सकती है। तो वो पीछे खड़े होकर मुझे कलेक्टर का ऑर्डर दिखा रहा है, लेटर दिखा रहा है। आप लोगों के अफसरों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि आपको कुछ नहीं समझते। और आपका एडिशनल कलेक्टर कहता है कि अगर हाईकोर्ट जज को कलेक्टर ने लेटर लिख दिया है तो हाईकोर्ट जज तो बेल हो गया। नहीं, मत क्षमा मांगिए सर, आप लोगों की अकड़ जरूरत से ज्यादा बड़ी हुई है। नहीं आए हैं हाँ या ना? ना सर, सर एक मिनट सर, एक्चुअली क्या है कि जो नागद्वारा का जो मेला लगता था वो 15 किलोमीटर का ऐसा ट्रैक है, इसमें नीचे जाना पड़ता है। और ये जो धूपगढ़ से ये 15 किलोमीटर डाउन द बॉटम नीचे जाना है और ऊपर आना है। तो सर मैंने खुद ट्राई किया मोबाइल में, कई बार एडीएम यहाँ थे, उन्होंने ट्राई किया, उनके ऑफिस में सर सब। हम आपको उनका रिप्रेजेंटेटिव मान के उनकी एग्जेम्प्ट कर देते हैं। अब आप इसको जस्टिफाई करिए कि हाउ अ कलेक्टर कैन राइट अ लेटर डायरेक्टली टू द कोर्ट। मुझे उनकी शक्ल देखने से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इफ़ ही इज़ not interested to avail the opportunity of hearing, no difficulty। कोई contempt तो है नहीं कि मैं उनके खिलाफ वारंट इशू कर दूँ, है ना? मैंने उनको मौका देने के लिए बुलाया, उनका कहना था कि हम नहीं आ पा रहे हैं, मत आइए। अरे मेरे भाई, मैं कहना चाह रहा था, सुनिए, मैं coercive step क्यों लूँ? उनके खिलाफ सिर्फ यही कि वो मेरे कहने पे नहीं आए, इसलिए कैसे ले लूँ भाई? अब आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने कहा उनको एग्जाम कर दो, कर दिया सर, आप कर दिया। 10:30 लेना सर। नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे वो कलेक्टर। क्यों चाहिए सर? एक तरफ नेचुरल कैलामिटीज हैं, लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी होने वाली है। और फिर अगर कल को कुछ हो गया तो कहेंगे हाईकोर्ट में गया था सर, मैं क्या करता, मैं रहता तो मैं तो एक आदमी ना मरने देता। छोड़िए, यू आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट is the part of the state government. She is lady Malhotra and might be lady, hardly matters. General clauses act mein he can be read as she and she can be read as he, right? No problem sir. Agar mujhe lagta ki wo she is avoiding the appearance to fir hum alag se dekhte. Humne मान लिया आपकी बात कि साहब वो प्रॉब्लम है, बात नहीं हो पा रही है। अब वो हाई कोर्ट के एजी ऑफिस से हम तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एजी ऑफिस तो एजी ऑफिस ही है, कलेक्टर वलेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप मुझे इतना बताइए, हाउ द कलेक्टर कैन राइट अ लेटर डायरेक्टेड टू द डायरेक्टली टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट? दैट कांट बी डन मैटर। सो हमने वो ऐसा नहीं करना था, उसको हम एग्जम्पशन हम बना के नहीं सर। आई एम डायरेक्टिंग द सीएस टू कंडक्ट एन इंक्वायरी वेदर अ कलेक्टर कैन राइट अ लेटर डायरेक्टली टू द सीएस। एक्सप्लेन दैट शुड गो थ्रू Then how dare he could write a letter directly to me in that case where which is pending? उस आदमी की या उस लेडी की अपीयरेंस का ऑर्डर था, and she was trying to win over the court. Her position was that of a client only, nothing more, nothing less. Definitely, but she has tried to explain. Whatever the but आप लोग सुन लीजिए। How she can send a letter directly to the court? I have not spoken a single word. I did not speak a single word when you were trying to explain her non-appearance. Whether I interfered at that time? आपका एडिशनल कलेक्टर, उसको लगता था कि मेरी कलेक्टर है, ये तो कुछ भी कर सकती है। He started waving that letter while he was sitting on the bench. तो सुबह देख के मैंने उसको मना किया। अगर आपका एडिशनल कलेक्टर को नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं है, आर यू अशेम्ड ऑफ दैट सर? दैट इंप्रेशन व्हिच द एजी ऑफिस इज हैविंग इन द आईज ऑफ दिस पर्सन्स। दे डोंट नो द प्रोसीजर, तो मेरे को ये लेटर दिखाएंगे। नहीं, इसलिए मैंने आई एम मूव, आई विल पास अ लेटर एंड आई विल डायरेक्ट द सस्पेंशन ऑफ दिस टू ऑफिसर्स। मजाक में क्या रखा हुआ है? जब डिप्टी एडवोकेट जनरल कलेक्टर के बिहाफ के ऊपर एग्जामिशन के लिए प्लीड कर रहा है, वो पीछे खड़े होकर मुझे कलेक्टर का ऑर्डर दिखा रहा है, लेटर दिखा रहा है। could not have been done. I will place him under suspension. देखता हूं कि कैसे CS उसको रिवोक करता है. आप लोगों के अफसरों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि आपको कुछ नहीं समझते और आपका एडिशनल कलेक्टर कहता है कि अगर हाईकोर्ट जज को कलेक्टर ने लेटर लिख दिया है तो हाईकोर्ट जज तो बेल्स हो गया. कैसे हिम्मत है हाईकोर्ट जज की, देखते हैं. समझ नहीं पाया था कि वो मतलब एक तरीके से मिस्टर मत करिए डिफेंड. वो समझ नहीं पाया था. आई एम राइटिंग दिस ऑब्जर्वेशन कि दिस इज द सबमिशन ऑफ द डिप्टी एडवोकेट जनरल कि उसको समझ में नहीं आता है. मतलब ना तो उस आदमी को अपील, ना तो उस सज्जन को अपील डिसाइड करते समय कानून समझ में आता है, ना उस सज्जन को डिप्टी एडवोकेट जनरल के इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं, ना उस सज्जन को हाईकोर्ट का प्रोटोकॉल है ये समझ में आता है, ना उस सज्जन को हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे चलते हुए इंटरफेयर करने में डर लगता है. ऐसे आदमी को आप क्या यहाँ पे रखेंगे? नहीं सर, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने डिफेंड नहीं करेंगे, आप रखेंगे ये बताइए मेरे को. आपने कहा, उसने कहा कि ये मुझे रीजंस लिखने थे और तो मुझे हाईकोर्ट का ऑर्डर समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो अपने आप को तहसीलदार समझ रहा था. इन दोनों के एक्सप्लेनेशन में देख चुका था, सुन चुका था. उसके बाद जब हमने पूछा कि कलेक्टर आए क्या, फिर आपने कहा क्योंकि मैं ये सारी बातें इनके मुंह से इनके कलेक्टर के सामने कहलवाना चाहता था. ठीक है, आपने कलेक्टर कहा कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है वहां पे. आई कुड अंडरस्टैंड कि भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, फील्ड के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, कलेक्टर की प्रेजेंस जरूरी है. ये पीछे से लेटर दिखा रहे हैं मेरे को, मजे लीजिए सर. यस मिस्टर वाई, यू शुड नॉट बी पुट अंडर सस्पेंशन डायरेक्टली बाय दिस कोर्ट. प्लीज कम फॉरवर्ड सर. Why I should not direct for your suspension immediately? मैं मत क्षमा मांगिए सर, आप लोगों की अकड़ जरूरत से ज्यादा बड़ी हुई है. पहली बार मैं अपीयर हुआ, हाँ पहली बार अपीयर हुए. मुझे लगा कि अब जो चीज हमको दिया गया देखो तो हम, हाँ कलेक्टर ने दिया है ना, हाईकोर्ट जज को तो मैं जाके देखे आऊंगा. व्हाटएवर इट इज, आपने सुबह इनको दिखा चुके थे, आप सुबह इनको दिखा चुके थे. नहीं, आई विल डायरेक्ट इट फॉर हिज सस्पेंशन. मैं जरा डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, हो सकता है ये कल ऑर्डर आएगा. हाँ, और तहसीलदार के खिलाफ सीएस को इंक्वायरी का ऑर्डर करूंगा मैं. नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू. आपको बताना था, आपका ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं समझ नहीं पाया था. मैं तो गंगुली साहब को फिर से दिखा रहा था कि साहब आपने गलत मेरे को मना कर दिया. मुझे 4:30 बजे तक बताइए, मुझे 4:30 बजे तक बताइए. प्लीज यू कैन लीव द कोर्ट एंड यूटिलाइज दिस 23 मिनट्स. अदरवाइज आई विल डायरेक्ट फॉर प्लेसिंग यू अंडर सस्पेंशन, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो कोर्ट के अंदर किया है और वो जो सीएस जो है उसके लिए वो कोई कुछ नहीं जाएगा. कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग्स के लिए आई कैन डायरेक्ट हिम दैट ही शुड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन. जो मुझे कलेक्टर के आदेश का डर दिखाने को बैठे हुए थे. और आपके सीएस को आपके सीएस को मैं आपके कलेक्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी करके और उसमें जो भी आपको इंटरवीनिंग ऑर्डर्स पास करने हैं उसका भी डायरेक्शन देने वाला हूँ. राइट, चलो सर, थैंक यू सर. नो मोर केसेस सर.